हेलो फ्रेंड्स और मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू एक और जल्दी जल्दी में बनाया हुआ वीडियो। फ्रेंड्स, हम लगे हुए हैं शिफ्टिंग के काम में, और यानी शिफ्टिंग हो चुकी है, लेकिन हम लोग अभी घर जमाने में लगे हुए हैं, घर की सफाई जमाना, नया सामान लेना। लेकिन अभी हमें अर्जेंटली जाना पड़ रहा है इवान के वैक्सीनेशन के लिए। कोरोना वायरस की वजह से हम लोग हॉस्पिटल से दूर रह रहे थे, इसलिए उसके टीके में, उसके वैक्सीनेशन में देर हो गई। तो बस मैं आपको लेके चलती हूँ इस वैक्सीनेशन क्लिनिक में। ये भी सिटी से दूर है पहले की तरह, हम अभी भी सिटी से दूर रह रहे हैं क्योंकि ओडिन की जॉब यहीं पर है, और यहाँ पर ज़्यादातर रूरल पॉपुलेशन आती है फ्रेंड्स। ये सिटी वाली पॉपुलेशन नहीं है, लोग नहीं हैं, ये फार्मिंग एरियाज़ भी हैं यहाँ आसपास में, और कई लोग सिटी से दूर रहते हैं अपने जॉब्स के वजह से। तो बस ये दूर का क्लिनिक है, ये हॉस्पिटल नहीं है फ्रेंड्स, ये क्लिनिक है सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए, टीका के लिए। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ, देखते हैं आगे चेकिंग होगी कि नहीं हमारी। तो हमने मास्क पहना हुआ है, लेकिन इवान को नहीं पहनाया क्योंकि वो हटा देता है मास्क, क्या करें। बस फ्रेंड्स, तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे ओडिन को भरना पड़ रहा है कि वो वुहान नहीं गया है पिछले 2-3 महीने में, और उसको कोई बीमारी भी नहीं हुई है। और बस उसके बाद इन्होंने टेम्परेचर ले लिया, मैंने भी अपना टेम्परेचर ज़बरदस्ती उनको लेने को बोला। ये जो आप कंप्यूटर जैसा देख रहे हैं, इसमें से भी टोकन लेना होता है यहाँ के सारे ऑफिसेज के जैसे, और पीछे से आप आवाज़ सुन सकते हैं, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है किसी की, वो टोकन नंबर बोल रही है औरत। इस चार्ट में लिखा हुआ है कौन सा वैक्सीनेशन कब लगाना है, आपको किसी हेल्थ केयर वाले से पूछने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप सब इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। भीड़ काफ़ी है यहाँ पे, ज़रूरी काम के लिए आना ही पड़ता है, सब वेटिंग पे लगे हुए हैं। नीचे आप स्टिकर देख सकते हैं जो बीचों बीच लगा हुआ है कलरफुल सा, इसमें लिखा हुआ है कहाँ पर क्या है, वॉशरूम ऑफिस वगैरह कहाँ पर है, तो लोगों को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में किसी से। ये ऊपर देख रहे हैं आप जो लिखा हुआ है, इसमें है कि वैक्सीनेशन कौन सा अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है और कितना प्राइस है उसका, तो सब कुछ यही देख सकते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये तो वही बच्चों का प्ले वाला एरिया है, तो बच्चे अगर परेशान करें तो आप छोड़ सकते हो। तो मैं आपको साइड साइड से दिखा रही हूँ आगे से कैसा लगता है, पीछे से कैसा लगता है, बैठने की जगह और प्ले एरिया साथ में है। अभी देखिए इवान बहुत बोर हो चुका है, नींद तो नहीं आ रही उसको, लेकिन पता नहीं इसको यहाँ पे शायद धूप लग रही है, लेकिन हम इसको बाहर ही रखना प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि अंदर बहुत सारे बच्चे हैं भाई, सेफ रहेगा यहाँ। बस यहाँ मैं वेट कर रही हूँ कि हमारी बारी कब आएगी, कब हमारा नाम अनाउंस करेंगे। और यहाँ पे देख रही हूँ बच्चों को खेलते हुए, सोच रही हूँ वॉशरूम भी देख के आऊँ कैसा है। देखिए वॉशरूम साफ सुथरा लग रहा है मुझे तो। आप चाइना में कहीं भी जाओ, आपको ये नीचे बैठने वाले टॉयलेट्स मिल जाएंगे इंडिया जैसे, चाहे आप एयरपोर्ट जाओ या होटल में जाओ। ये मुझे लग रहा है कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं सारे, कौन क्या है उनके बारे में लिखा हुआ है, कौन किस पोस्ट पे है। अब बस मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ देखने के लिए, ऊपर भी शायद जाने की जगह है, ऊपर भी है ये क्लिनिक। और बाकी साफ सुथरा लग रहा है, बैठने की सीट्स ज़्यादा हैं, लोग कम हैं यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे देखिए कोई आदमी अपने बच्चे को चुप करा रहा है। ये जो ऑफिस है ना, ये है बच्चे का वेट वगैरह लेने के लिए, उसकी हाइट लेने के लिए, उसके हेल्थ देखने के लिए। बस घूम रही हूँ मैं फ्रेंड्स, घूम रही हूँ, अच्छा है, पहली बार आई हूँ। देखिए आई एम सॉरी, मैं ले नहीं पाई पहले वीडियो क्योंकि बहुत जल्दी से उसका नाम पुकारा इवान का और हम भाग के यहाँ पे आए। तो फ्रेंड्स, मैं आगे का वीडियो नहीं ले पाई, आप देख सकते हैं वहीं पे जब टीका लगने वाला था तभी हमने कैमरा बंद कर दिया क्योंकि इवान बहुत रोने लग गया था और ओडिन ने उसको संभाला फ़ोन छोड़ के। तो बस पूरे रास्ते वो रोते रोते आया, आपको बस घर पहुँच के मिल रही हूँ। तो
फ्रेंड्स आगे का वीडियो, अब ये वीडियो बहुत छोटा था क्योंकि मैं इतनी बिजी हूँ आजकल। हम लोग आते काम में लग जाते हैं, काम कर कर के हालत बहुत बुरी हो गई है। तो मैं आपको इस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस दिखाती रहूँगी। नए व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको चाइना के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो ज़रूर देखिए मेरे वीडियोस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जैसे ही टाइम मिलता है, जैसे ही घर में सेटल हो जाते हैं, मैं हर हफ्ते 2-3 वीडियोस बनाऊंगी बनाऊंगी। और बस थैंक यू सो मच कि मुझसे इतने सारे लोग नए जुड़े हैं। और बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय।